सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस गाइस। सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियोस में। और मैं आ चुका हूँ मोतीपुर उपासना और रूडी को अपनी फैमिली को ले जाने के लिए सिवान। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी पहुँचाऊँगा थोड़ी देर पहले, 7 बजे रहे रात के शाम के, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे कल। और संतोष जी भी जाएंगे, आराधना भी जाएगी हमारे साथ, और बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं आउटसाइड में घूमने के लिए। कुछ बाबा का ज़मीन है वहाँ पे, जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम लगा हुआ था, आधा घर का काम हो चुका है, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग विज़िट करने के लिए जाएंगे। और तो उपासना वो रेडी हो रही है वहाँ पे, देखिए गाइस उपासना रेडी हो रही है, रेडी हो चुकी है उपासना। रेडी हो? हाँ तो चलो, और बाकी यहाँ पे छुटकी भी रेडी हो गई है, तन्नु भी रेडी हो गई है, आराधना भी रेडी हो गई है। चलो आराधना, चलो चलते हैं। तो गाइस ऐसे ही थोड़ा सा बहुत दिन हो गया हम लोग गए जमीन, पिछले बार जब हम लोग मोतीपुर आए थे आज से आठ महीना पहले तो हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे। तो अभी बहुत जाने का दिल कर रहा है, सब लोग जिद कर रहे हैं यहाँ पे। संतोष जी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं ब्लू टी शर्ट पहने और रूडी तो ऑलरेडी रेडी हो गया है ना। रूडी ये देखिए, अरे गाड़ी क्या ढके नहीं थे, ओहो ये देखिए गाइस क्या धूल पड़ा है गाड़ी में। अब यहाँ पे रूडी हो चुका है, रूडी का भी तबीयत गाइस ठीक नहीं था और इसको भी फीवर हो गया था कल। इसने एक कॉम्बिफ्लेम का टेबलेट आधा टेबलेट खाया था, तब से इसको ठीक है, बुखार नहीं आया इसको भगवान की तरफ से, अभी ठीक है, मस्त खेल रहा है कूद रहा है। कल इसको भी लेके जाना है घर, स्कूल भी खुल रहा है इन लोगों को, 21 जून से इन लोगों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। और एडी भी यहाँ पे देखिए रेडी हो गया गाइस, क्या ओहो हो एडी, हेलो गाइस, बोलो सी हाय गाइस। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, आप बहुत अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और यहाँ तो ठुला डैडी वीडियो बना रहा है और हम लोग जाएंगे नानू मामा नानू बाबा के घर में, देखे बोलो कैमरे में देखे बोलो, और हम लोग मजा करेंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मजा आएगा वहाँ पे, और हम लोग आएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं गाइस, यहाँ पे सब लोग आके ग्रुप में बैठ चुके हैं यहाँ पे, और संतोष जी का भी बाइक यहाँ पे रेडी हो चुका है, स्कूटी रेडी हो चुका है यहाँ पे इनका। और रूडी स्कूटी में बैठ के जाएगा ना, रूडी वहीं बैठ जाना आगे कंचा हुआ के साथ। छुटकी रेडी, इसका भी तबीयत ठीक नहीं था गाइस, ये भी 2 दिन दवा खाई है, वोमिटिंग और फीवर इससे भी चल गया था, इसको भी कल से तबीयत ठीक नहीं है, ये भी दवा खा के अभी ठीक है, अच्छी है, बट थोड़ा इसको वीकनेस ज़्यादा हो रहा है अभी। और वो आराधना हरी है, आराधना को दिखाता हूँ मैं, क्या कर रहे हैं ना? ताला अंदर बंद में गेट लगा रहे। क्या बात है, सुपर माइंड है तुम सुपर माइंड है, देख रहे हैं ताला अंदर बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, जल्दी रूडी चलो, तो चलिए चलते हैं। क्या हुआ छुटकी? परफ्यूम लग गया स्किन में। कहाँ पे? अंडरआर्म में, लहर रहा है कपड़े में लगाना चाहिए। तो गाइस इसने क्या किया, परफ्यूम लगा लिया अंडरआर्म में, इसको बहुत लहर रहा है, तो ऐसे करके बगुले की तरह बैठी हुई है, कपड़े से लगाना चाहिए, समझाओ ना। ये देखिए गाइस, बड़ा घोड़ा हो गया मेरे गोदी आने के लिए जिद कर रहा है कि देखिए गोदी ले लो, गोदी घोड़ा हो गया है भारी, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, थक जाऊँगा रूटी, चलो पैदल। देखो कहाँ जाकर चल रही, तो गेट खोल के जाओ, चलो 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 बैठो, कार में बैठो सर, उधर कहाँ जा रहे हो? तो ऑलमोस्ट सब हम लोग निकलते हैं अभी, नहीं तोड़ेगी चलिए आप लोग आइए, हाँ चलिए चलिए चलो आओ। यहाँ जा, नानू को बैठने दो, हाँ हटो, हाथ हटाओ, हाथ रहो, माइक आ रहा है, बैठो ना, सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट जा रहे हैं और जमीन पे जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा लिए हैं,
आधा घर आधा बन चुका है, आधा में अटका हुआ है। तो हम लोग कभी भी आते हैं तो वहीं जाते हैं, एक बार घूम के आते हैं। फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच चुके हैं और गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो इधर इधर हमारी स्कूटी भी पार्क है, सो इधर से भी रास्ता हो गया है। अरे धीरे धीरे गिरोगे। तो फाइनली ये रहा गाइस बाबा का आधा अधूरा सपनों का घर कहेंगे इसे हम लोग। काफ़ी ज़्यादा उनको अभी मन थोड़ा सा दुखी रहता है घर को लेकर। अभी जो ये घर में जो काम लगा था गाइस, ये घर में देख रहे हैं, ये पार्ट जो बन रहा है घर का, बाबा को बनने पे थोड़ा टाइम लगा। तकरीबन कितना 3 साल से हाथ लगा हुआ है ना घर में, 3 साल से लगभग घर में काम लगा हुआ है, अभी आधा अधूरा ही बन के तैयार हुआ है। तो कभी कभी बाबा को भी बहुत दुख होता है कि मेरा सपनों का घर अभी भी अधूरा है। तो ये आई होप कि ये घर बहुत जल्दी बन जाए और 1-2 साल के अंदर घर बनके एकदम तैयार हो जाए। तो ये रही उपासना, उपासना भी इधर आ रही है गाइस और उपासना भी यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक प्लॉट यहाँ पे बना हुआ है किसी और का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खूब यार्ड का जैसा बना हुआ है ये और सारा इसमें फूल पौधा लगा हुआ है, मिर्ची का पेड़ लगा हुआ है, पपीता का पेड़ लगा हुआ है, आम का भी पेड़ लगा हुआ है और केला का थंब भी है यहाँ पे गाइस। और ये रहा बाबा का सपनों का अधूरा घर जो अभी आधा ही बनकर रेडी हुआ है बाबा का। बाबा को काफ़ी ज़्यादा मन है कि ये घर जल्द से जल्द रेडी हो जाए घर। अभी देखता हूँ कि ये कब तक घर बन के रेडी हो जाएगा। अभी तक मामा का सपनों का घर अधूरा पड़ा हुआ है, इस साल पूरा हो जाएगा। हाँ इस साल पूरा हो जाएगा। हाय गाइस, सो अभी गाइस ये घर अभी आधा अधूरा है, तो अभी इस साल 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर ये घर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सब देखिए काफ़ी ज़्यादा खुला खुला, यहाँ पे पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दूर दूर तक, यहाँ पे टावर भी है। तो वाला फोटो अच्छा आता उसमें। हम हैं शाडू भाई है यहाँ पे, हम लोग मिलकर यहाँ पे दोनों जन जमीन का क्या कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। तो जमीन का जायजा तो काफ़ी मतलब लेट बोल रहे हैं हम लोग, मतलब आधा अधूरा बना हुआ घर को हम लोग जायजा कर रहे हैं किस प्रकार से बना हुआ है घर। यहाँ पे देखिए सारा काम यहाँ पे हुआ है, देखिए ये रूम, ड्रॉइंग हॉल, किचन, टॉयलेट हॉल ना सब कुछ यहाँ पे। हाँ ये सीढ़ी रूम, ये टंकी भी है ना, ये टंकी नहीं टंकी वहाँ पे है, सॉरी टंकी वहाँ पे, सीढ़ी रूम ये है, टंकी भी है ये, इसमें भी टंकी है। हाँ इसमें भी टंकी है और सीढ़ी रूम है, बहुत ही खुला खुला। हाँ बहुत ही खुला खुला लग रहा है, व्यू मस्त आ रहा है यहाँ पे, हवादार हवा भी, और दोपहर के टाइम में बहुत गर्म लगता होगा, बहुत बहुत बहुत। देखिए बच्चे लोग वहाँ चले गए, देखिए कुछ कीड़ा उड़ा काट लेगा, इधर आओ सब रोडे मार्केट बस यहाँ से रोडे चलो इधर रोडे आओगे तुम लोग, अरे कीड़ा मकोड़ा होगा यही बांध के चले जाएंगे हम लोग तुम लोगों को। पहले पानी बढ़ाई लिए से यार। तो गाइस ये है घर बाबा हमा के सपनों का घर जो कि अभी अधूरा है और पूरा टाइम लगेगा और इसमें
होप कि इस साल ये कंप्लीट हो जाए। आओ बच्चा पट्टी फोटो निकालता है। इधर आराधना और तनाया घूम रही है। बच्चा पट्टी और सारे हम लोग आए हैं। जब भी आते हैं घर तो हम लोग घूमने आ जाते हैं। देखो इधर हाथ में नहीं करो पकड़ा ना। बहुत ही खुला खुला जगह है इधर। बहुत ही हवा बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में आराम से बैठ के बगल को तो एक कट्ठा ना देख देख दो कट्ठा दो कट्ठा को हॉल को हाँ हॉल को यो हॉल को त्यो स्पेस हो त्यो त्यो स्पेस हो हॉल को त्यो वो छानी लंबा छ लग रहा है। जो अटैच बाथरूम सब ऐसी लग रहा है। उखाना खड़ी रहे।